हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की क्लास हमारी RSCET पर होने वाली है। जो आपके RSCET एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, जो देखो आपके एग्ज़ाम डेट आपको पता ही होगी, 1-4 अगस्त को होने वाला एग्ज़ाम है और 1-18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 तारीख को आपके मतलब यानी 1-4 अगस्त और 1-18 अगस्त एंड 2 डेट्स को आपके एग्ज़ाम होंगे RSCET के। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी रही होगी, और अच्छी नहीं रही है हम आपको इस तारीख को बेहतर बनाएंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, तो आज क्लास खास RSCET होने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले एग्ज़ाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्ज़ाम ने बनाए, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं बनाए, हमने जो RSCET बुक है उन्हें से जितने मोस्ट हो सकते हैं उतने मोस्ट क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं हमारी दृष्टि से। ठीक है, तो एक बार ये क्लास जब भी जल्दी से देख लीजिए, क्या पता इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए, पूरे 100% आएंगे हमारे हिसाब से, 1-2 क्वेश्चन का नहीं कह सकता मैं, बाकी आएंगे। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आप और अपने दोस्त जो भी है वो भी लाभ उठा सके इस क्लास का। ठीक है, चलो क्लास की शुरू करते हैं, RSCET क्लास होने वाली है। चलिए इस क्लास में टोटल देखो, पहले एक बात दो, आपके RSCET एग्ज़ाम में टोटल 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 35 क्वेश्चन आने वाले आपके RSCET क्लास में, और पर क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर आपका पेपर होगा, और 30 नंबर है जो आपके RSCET सेंटर है वो भेजेंगे आपके 30 नंबर। हाँ, वो उन पर डिपेंड करता है कि आपके RSCET सेंटर है वो 30 में से आपके कितने भेजते हैं। ठीक है, और बाकी आपके 70 नंबर का पेपर भी होगा, और पर क्वेश्चन 35 2 क्वेश्चन का पर क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होगा, 35 क्वेश्चन आएंगे, तो 35 × 70 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये कुछ बेसिक नॉलेज थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है, यानी कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। पहला ऑप्शन है स्पीड, बी शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव। तो कंप्यूटर सिस्टम की सीमा कौन सी है बताइए। तो देखो, कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है बुद्धि का अभाव। ठीक है, बुद्धि का अभाव है कंप्यूटर सिस्टम की सीमा, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन 2 देखिए, आपको देखो 2 चीज़ करनी है, देखना है और सुनना है। एक मन को एकाग्रित रखकर एक बार ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन करूँगा 35, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आएंगे ज़रूर, और आप एक अगर मन लगा कर ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो ये पूरे क्वेश्चन इसे आपके सामने जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन शूट कर आप सीधे दिमाग में जाकर बैठ जाएंगे, मतलब कुल मिला के आपके दिमाग में कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग से बाहर निकल कर वो आंसर की है ना आंसर नोटबुक उसमें जाकर चिप जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को तुम? हाँ वही। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो बताइए कौन सा कंप्यूटर है जो हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो देखो वो कौन सा है, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखना है, देखो सिंपल चीज़ मैं समझाता हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब हार्डवेयर पर रन करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर है ना उनको रन करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, यानी मतलब एक नई जगह देता है दूसरे सॉफ्टवेयर को रन या दौड़ना, यानी दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक नया प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यानी जो रैम है ना, तो रैम के द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाले सूचना है उसको मतलब एकत्रित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो वह है कैश मेमोरी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधे सीधे आंसर बोलूँगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी कैसे, जैसे कि कोई रैम है तो रैम द्वारा कोई चीज़ है जो अधिक बार मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग कोई सूचना है। ठीक है, तो वो सूचना को मतलब
एकत्रित करने के लिए जो कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कैश मेमोरी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है, यानी कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है, कौन सा प्रिंटर करता है, तो है प्लॉटर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, प्लॉटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अच्छी गुणवत्ता वाले, देखो क्वेश्चन क्या आ जाए, आपको सिंपल याद रखना है कि प्रिंटर की बात हो जाए और अच्छी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की बात हो जाए और ग्राफिक्स की बात आ जाए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्लॉटर याद रखना है। ठीक है, आपको सिंपल प्लॉटर याद रखना है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखो, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया पहले विद्यार्थी सिंपल है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, बूटिंग। ठीक है, जैसे कोई कंप्यूटर आपने ऑन किया तो आप अपनी भाषा में क्या कहोगे, यार मैंने कंप्यूटर चालू कर दिया या कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, ऑन कर दिया। लेकिन सही मायने में कंप्यूटर जो ऑन करने की प्रक्रिया है उसे हम बूटिंग कहेंगे। ठीक है, बूटिंग याद रखना है आपको। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या ग्राफिक्स टैबलेट। तो देखो, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, तो वह है प्लॉटर, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, प्लॉटर है जो मतलब आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन बोलूँगा मैं, ठीक है, और कुछ मैं डायरेक्ट बता दूंगा ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। ठीक है, जितना संभव हो सके मैं आपके अंदर एक ऐसा जादू लगूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन दिमाग में फिट आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी, आपको बताया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, कि कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है, ऑनलाइन भुगतान। ठीक है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप, ठीक है, तो उसकी प्रणाली कौन सी नहीं है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी, तो इसमें मेरे आइडिया से अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो इसका आंसर आप बता दोगे। तो इसमें सिंपल बात है कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। कैसे, क्रेडिट कार्ड है जो एक ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, और नेट बैंकिंग की भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी का मतलब इस हाथ से लिया इस हाथ से लिया, जैसे वो डायलॉग नहीं है कि तू रोकड़ा लाया या तू माल लाया, वही डायलॉग यहाँ पर है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, यानी इधर माल इधर रोकड़ा, समझ मतलब आपको समझाने के लिए कोई ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, एक फनी वे भी हो जाएगा और आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, बताइए कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, गूगल क्रोम या सफारी, मोजिला फायरबॉक्स, फॉक्स और उपयोग सभी। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है वह है उपयोग सभी। कैसे, जैसे कि यानी वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट की क्रोम, गूगल क्रोम। तो देखो, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, गूगल क्रोम लगभग 100 में से 100% लोग जानते हैं कि गूगल क्रोम मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कुछ भी चीज़ें सर्च करके आराम से देख सकते हैं अपने मतलब काम के लिए। सफारी है जो 100 में से 70% लोगों को पता है। मोजिला फायरफॉक्स है जो भी एक जो कंप्यूटर ज़्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेटिंग करते हैं उनको पता है ज़्यादातर मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। ज़्यादातर एंड्रॉयड जो खाली फ़ोन चलाते हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है, बाकी जो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से काम करते हैं उनको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो इसमें ये सभी हैं जो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेब ब्राउजिंग के। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है,
सोशल मीडिया है उसकी कौन सी जो साइट नहीं है, फेसबुक, विकिपीडिया, ट्विटर, माई स्पेस, तो सोशल नेटवर्क की साइट नहीं है, कौन सी नहीं है, तो वह है, इसमें याद रखना सिंपल है, फेसबुक है जो है ही है, विकिपीडिया तो है ही है, सो ये सोशल प्लेटफॉर्म, ट्विटर तो आपने जिसे पहले चिड़िया आती थी अब नया एक एक्स बना दिया ट्विटर पर, माई स्पेस है जो एक सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज़ है, टेंशन नहीं लेना, आर सी टी में इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, और दो चीज़ें करनी है आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप आर सी टी में एक दो क्वेश्चन के अलावा कोई भी गलत करके आ जाओ तो वापस आके चैनल पर कुछ कह देना, ठीक है। दो चीज़ें करनी है, पहले तो हमारी क्लास हमारे चैनल पर जो भी आर सी टी क्लास है होती हैं वो आपको रेगुलर देखनी है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, मन लगा कर पढ़ना है एक घर, ठीक है, ऐसे नहीं कि क्लास ऑन करके देख लें, ऐसे नहीं, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है। और एक साथ में एक और काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ये भी काम थोड़ा साथ में कर देना है, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, कर देना यार, ठीक है। तो इसमें कौन से जो सोर्स है वो तो आपने पढ़ लिया था, माई स्पेस है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, किस नंबर 10, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जो पीएम धन जनधन योजना है इसकी शुरुआत जो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी पहले विद्यार्थी अगस्त 2014 में, ठीक है। अगस्त 2014 में हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस नंबर 11, कि POS का पूरा नाम क्या है, कि POS का पूरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ सेल या पार्ट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सर्विस या पार्ट ऑफ सर्विस। तो देखो POS नाम आ जाए एग्ज़ाम में, देखो था पड़ गया आपको, मतलब देखो कई नाम है कि POS आ जाए ना एग्ज़ाम में, परीक्षा में POS, तो सिंपल आपको याद रखना है POS का मतलब, P का मतलब पॉइंट, O का मतलब ऑफ, S का मतलब सेल, पॉइंट ऑफ सेल याद रखना है POS नाम आते ही, ठीक है। तो इसमें A ऑप्शन है जो बिल्कुल आपको, A ऑप्शन क्या है यार, A ऑप्शन में यहाँ पर दूसरा भी आ सकता है, ऐसे पीछे हमें आना ही मिला नहीं है, POS का पूरा नाम आ जाए तो पॉइंट ऑफ सेल होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किस नंबर 12, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा फनी वे में है, इससे दो चीज़ें फ़ायदेमंद है, एक आपको पढ़ने में याद भी हो रहेगा, दूसरा आप बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। बोर तो क्या है यार, बोर तो ये सब इंग्लिश ही वर्ड है, कुल मिला के हमारे लैंग्वेज कहे तो उबास या नहीं आवे, ठीक है, मतलब आपको उबास ही नहीं आएगी, जैसे कि आलस नहीं आएगा, बोर तो ये इंग्लिश पता क्या हो जाए, ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहने आप वो, किस नंबर 12 देगी मजाक सट के, कि प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है ऐसे, क्या बनाया कार्ड बनाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे साबुन बन गए, लेकिन ये ऐसे कार्ड होता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कहाँ जा रहा है, तो मतलब ये ऐसा कार्ड बन गया, ठीक है, ये जो है ना ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या उपयुक्त भी, तो उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड कहते हैं जो मतलब ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है। तो आपको क्या, ये कौन सा कार्ड है, काफ़ी लोगों को पता है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जैसे कौन है बजाज कार्ड, SDB कार्ड, TVS कार्ड, ये कार्ड है ना जो आप कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हो वही कार्ड, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि कुछ खरीदने और बेचने के काम आने वाली वेबसाइट है जो कौन सी कैटेगरी आती है, यानी जैसे कोई वेबसाइट है जो मतलब कोई खरीदने और बेचने के अंदर आती है, ठीक है, तो उस वेबसाइट को क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट या उपयुक्त सभी, तो उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों
ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब कैसे क्या आपका हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी है? आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन आपने खरीदार की होगी, अमेजोन पर की होगी, फ्लिपकार्ट पर की होगी, मीशो पर, शॉपसी, अमेजोन, मीशो, शॉपसी, फ्लिपकार्ट, ये सब है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, अगर पूछे कि ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी है तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये शॉपसी, मीशो। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, पीएनआर का पूरा नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जो पैसेंजर है उनका नाम है, नाम के साथ रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, याद रखना। पीएनआर आ जाए तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड याद रखना है आपको। एक बार बोल देता हूँ वापिस कि पीएनआर आ जाए एग्जाम में तो नाम याद रखना है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? कोई नागरिक है जो अपने ऑनलाइन रोजगार ढूंढ रहा है, ठीक है, तो किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? हिंदी रजिस्ट्रेशन को हिंदी में पंजीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जैसे कोई माना कि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, तो मैं अपने रोजगार के लिए ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? ई मित्र से, या रोजगार विभाग की वेबसाइट से, या इन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं रहेगा तो ई मित्र से करवा सकता हूँ, और मेरे पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा तो मैं रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें ए और बी राइट आंसर है, यानी ये दोनों चीज़ें हैं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़िया एकदम, देखो बढ़िया एकदम, माइंड फ्रेश है कि एग्ज़ाम देना है, नो टेंशन रहना है, आराम से जाएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एग्ज़ाम जाते समय क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर हुई थी? तो देखो, राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत है जो वह हुई थी राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर। जो राष्ट्रीय मतदान दिवस था उस दिन एक नया पोर्टल शुरुआत हुई थी, वो हुई थी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपको याद रखना वह है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड कौन सा? आपका फोन एंड्रॉयड। ठीक है, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जीपीएस का पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस, एक बार पहले जीपीएस के बारे में जान लेते हैं, कुछ बच्चे क्या है जीपीएस, क्या चीज़ है ये, कौन सा रोग है, तो बता देता हूँ। जीपीएस क्या है, जीपीएस का पूरा नाम एक बार पहले पूरा नाम बार लें फिर उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम है, प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब इसका क्या चीज़ है जीपीएस, जो आपकी प्रेजेंट टाइम की मतलब लोकेशन बताता है। जैसे आजकल बड़े बड़े वाहनों में जीपीएस लगाया जाता है, ठीक है, अब जैसे मान मेरे पास कोई, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे मान मेरे पास कोई बीएमडब्ल्यू है, ठीक है, अब बीएमडब्ल्यू में जीपीएस लगा हुआ है, ऐसे चिप टाइप आता है, ठीक है, जैसे आपके पास छोटा पावर बैंक कैसा होता है वैसे टाइप आता है, जो कार में कोई कैसे भी वाहन में लगाया जाता है। ठीक है, जो मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, अब यहाँ से मतलब 1000 किलोमीटर दूर बीएमडब्ल्यू मेरे पास पड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं फ़ोन से अपने बीएमडब्ल्यू देख सकता हूँ
कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, मतलब कौन सा गेट खुला है कौन सा नहीं, वो ठीक है, ये जीपीएस का काम होता है। मतलब वो प्रेजेंट टाइम की लोकेशन बताता है जीपीएस, ठीक है, इसे कहते हैं जीपीएस। आजकल नए नए टेक्नोलॉजी में बाइक में भी जीपीएस आने लगे हैं आज, ठीक है। वो बाइक के नीचे पग नहीं होता, जब तक पग ऊँचा नहीं करो तब तक गाड़ी चालू नहीं होती, वो जब तक नीचा रहेगा चालू नहीं होगी, ऊँचा करोगे तो ही चालू होगी। और आजकल बाइक को कारों में भी ऑटो जीपीएस आने लगे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं जीपीएस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, कि ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, ऑनलाइन बैंकिंग को पहले विद्यार्थी इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, नेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ई बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है कि ऑनलाइन बैंकिंग को एन सी बी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचना प्रसारित करने के नियमों को परिभाषित करता है, तो कौन करता है? जो मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं इन दोनों के बीच है जो कुछ सूचना आदान प्रदान करने के लिए जो नियम है उनको परिभाषित कौन करता है? एफ टी पी प्रोटोकॉल, आई एस पी या प्रोटोकॉल भी, तो वह करता है प्रोटोकॉल, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है बताइए? पहला है इंटरनेट रिलीज चैट, या इंटरनेट रिक्वेस्ट चैट, इंटरनेट रिले चैट, या इंटरनेट संसाधन चैट। तो जो एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों इंटरनेट रिले चैट में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा है जो सर्च इंजन है? गूगल, अल्ताविस्ता, याहू या उपयुक्त सभी। कौन सा है जो सर्च इंजन है? तो वह है ये सभी, गूगल, अल्ताविस्ता और याहू, ये सभी सर्च इंजन है। किसकी तरह? ये है क्रोम, गूगल क्रोम की तरह, ठीक है, ये गूगल क्रोम के परिवार में ही है, सब छोटे बड़े भाई बहन बुआ के लड़के माँ के बेटे भाई सही है, जो गूगल काम गूगल क्रोम काम करता है ना, वो ऑनलाइन सर्चिंग करता, ठीक है, तो मतलब ये सभी करता है, अल्ताविस्ता, यह ये सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, URL एक का विस्तारित रूप क्या है? तो URL का विस्तारित रूप हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? URL, तो URL का विस्तारित रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और URL की फुल फॉर्म फूल है तो वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, HTML, HTML का पूरा नाम क्या है? बताना है कि HTML का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का पूरा नाम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभावित प्रदर्शित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है, जो पावर पॉइंट है उसमें स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव दिखाई देता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या है? जो पावर पॉइंट है उसमें नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है प्यारे विद्यार्थियों Ctrl+M, ये कीबोर्ड में जैसे कीबोर्ड है वहाँ पर कोने में एक कंट्रोल का ऑप्शन है, उस कंट्रोल को दबा के फिर आपको एम दबा देना है, जो पावर पॉइंट में नई स्लाइड ले आता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है?
तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है प्यारे विद्यार्थियों PPTX, ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, SSO का पूरा नाम क्या है? अगर आपके पास SSO ID नहीं बनी हुई है, पहले एक बार SSO जान लेते हैं। तो देखो SSO का पूरा नाम एक बार देख रहे हैं, SSO का पूरा नाम है S का मतलब सिंगल, वो दूसरे S का मतलब साइन, O का मतलब ओन। तो SSO का पूरा नाम है हमारा सिंगल साइन ओन, ठीक है, ये SSO का नाम है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को SSO बनानी जरूरी है, ठीक है। जो बाद 12th के बाद में SSO जरूरी हो जाएगी आपकी, कम जो आपके जो आने वाला आप किसी भी तैयारी करोगे तो SSO के माध्यम से कोई फॉर्म भरा जाएगा। और जो SSO के कई लाभ है, अगर आपने SSO नहीं बनाई है तो एक बार SSO बना लीजिए, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और मैं हर स्टूडेंट के SSO होनी चाहिए, ठीक है, जो एक बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा औसत का सही सूत्र है? औसत का सही सूत्र कौन सा है? तो देखो औसत का सही सूत्र है एवरेज, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन है जो औसत का सही सूत्र है। एवरेज जैसे एल अनुपात A10, ठीक है, तो ये औसत का एवरेज ये सूत्र है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या था? जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, उसके CEO है बिल ग्रेट्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के एक्सटेंशन नेम क्या है? तो उसका एक्सटेंशन नेम है प्यारे विद्यार्थियों DOCX, DOCX है, ये माइक्रोसॉफ्ट का 2010 का एक्सटेंशन नेम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है बताइए। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, आप क्या बताओगे? तो DNA का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, ये ऑप्शन राइट आंसर है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम है DNA का पूरा नाम, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 19-20 का ही फर्क है। चलिए अगले प्रश्न के देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाए और लॉन्च किया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है उनके द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? रुपे, मास्टर, वीजा या मेस्ट्रो? तो जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है इनके द्वारा एक ऐप बनाया गया है, वह है रुपे। आपने कभी रुपा नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं, इसमें 19 और 20 लाख का फर्क है, रुपा अलग है, ठीक है। तो इसमें रुपे आपने नाम सुना होगा, जो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि OTP का पूरा नाम क्या है? कोई चीज़ आपने जैसे कि आपने OTP का, OTP तो नॉर्मल है कि कोई चीज़ भूल जाते हैं तो फ़ोन पर जो मैसेज आता है उसमें कोड लिखा होता है वही OTP। अरे सर मैं फिर आपको कन्फ्यूज कर दूंगा, अरे OTP नहीं है, आप अगर आप इंस्टाग्राम बनाओ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट बनाओ, अगर आपको पासवर्ड भूल गए तो रीसेट करने के लिए जो OTP आएगा वो नहीं, वही OTP। तो वही उस OTP का मतलब पूरा नाम क्या है, ये चीज़ पर गौर किया आपने कभी? तो देखो OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड है OTP का पूरा नाम, ठीक है, OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड है, सी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछोगे वन टाइम पासवर्ड मतलब OTP आप आई गए तो हमको पता है OTP 10 मिनट के लिए वैलिड होती है, 10 मिनट के लिए, कोई 2-3 मिनट के लिए वैलिड होती है, तो ये OTP इतने टाइम के लिए वैलिड होती है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया वन टाइम पासवर्ड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, फेसबुक, ट्विटर या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सोशल मीडिया की बात आ जाए तो फेसबुक भी है जिसमें आप अपना चेहरा दिखाते हो, ट्विटर पर है, ट्विटर 100 में से 50% लोग चलाते हैं,
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है तो ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री कहाँ से उपलब्ध होती है? तो वीडियो स्लाइड शो से भी होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट से भी होती है, पीडीएफ से भी होती है। तो इसमें उपयोग से भी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा फनी वे में पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा। हम ज़्यादा नहीं, कुछ 3-4 क्लासें ही लेंगे आर सी ई टी की, लेकिन वो नॉर्मल क्लास नहीं होने वाली आपकी। उस क्लास को आप नॉर्मल में लेना। 5 क्लासें मैं गिनती से कह रहा हूँ आपको हमारे आर सी ई टी की। इस चैनल में 5 क्लास होगी ओनली। अगर 5 क्लासों में अगर आपका पूरा पेपर नहीं आ गया ना, तो फिर आप अपने हिसाब से तैयार लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा इसमें, वो डायलॉग है ना 19-20 का, 19-20 का ही नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा आपको, 0-0 फर्क रहेगा, मतलब कुछ फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। 5 क्लास में पूरा पेपर आएगा आपके सामने। तो आशा करता हूँ कि मैं फनी वे में पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ज़्यादा फनी वे में और आराम से इसलिए पढ़ाया था कि आपको समझ में आ जाए। मिलता है आपको एक नई मज़ेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं राजू कुमार आपसे विदा लेता हूँ।